गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका टॉपिक है फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। और यहाँ मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए यहाँ कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मेरे पास एक बोल है जिसके अंदर वाटर फिल है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट हमारा। सबसे पहले तो मैं ये बॉल लूँगी और इस बॉल को मैं ये पानी में डालूँगी। देखिए देखिए, ये जो पानी में मैंने ये जो बॉल डाला है ये ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, ये नीचे नहीं, बॉटम में नहीं जा रहा है। देखिए ये फिर ऊपर आ गया। इट मीन्स के ये जो प्लास्टिक की बॉल है पानी के अंदर डूबती नहीं है, फ्लोट करती है, तैरती है। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट लेंगे। मेरे पास ये एक बॉटल है छोटी सी, इस बॉटल को भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। देखिए ये भी देखिए फ्लोट कर रही है, ये सिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब ये भी पानी के अंदर फ्लोट करती है, तैरती है। अब मेरे पास ये कुछ कॉइन्स हैं, मैं इन कॉइन्स को लेती हूँ। देखिए ये कॉइन्स को, देखिए अब मैं इन कॉइन्स को भी इसमें डालती हूँ। देखते हैं कॉइन्स के साथ क्या होता है। ये कॉइन्स अंदर पानी के अंदर चले गए हैं, देखिए ये सिंक कर गए, ये डूब गए हैं। ठीक है ना, देखिए ये सिंक कर गए। अब मेरे पास ये प्लेट है, ये प्लेट को मैं अंदर डालती हूँ। देखिए ये अंदर डूब गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा केयरफुली रखूँगी पानी के ऊपर तो क्या होगा, देखिए ये आपका एक आंसर क्वेश्चन भी है क्या। ये देखिए, ये देखिए ये प्लेट जो है फ्लोट कर रही है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर आप पानी में ऐसे प्लेट को केयरफुली रखेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोट कर रही है। देखिए अब मेरे पास ये एक कैप है, कैप के साथ क्या होता है, देखिए कैप भी फ्लोट कर रही है। देखिए ये डूबी नहीं, देखिए ऊपर आ गई। इट मीन्स इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर। हाँ अब मेरे पास एक ये आयरन का, मेरे पास ये एक आयरन का नेल है, मैं इस नेल को डालूँगी। देखिए नेल के साथ क्या होता है, ये नेल जो है वो कम्प्लीटली पानी के अंदर सिंक कर गया। देखिए अब मैं इसको निकालूँगी। अब मेरे पास ये दो, एक कैंडल बची है और एक ये वुड पेंसिल है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए ये कैंडल भी फ्लोट कर रही है और ये पेंसिल भी फ्लोट कर रही है। पेंसिल वुड की बनी रहती है, देखिए पेंसिल भी फ्लोट कर रही है। ये सोप केस है मेरे पास, अब मैं सोप केस को इसके अंदर डालती हूँ। देखिए ये फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है। अब मेरे पास बचा हुआ है एक साबुन सोप, अब मैं इसको डालती हूँ, देखिए क्या होता है। ये सिंक कर गया, देखिए ये सिंक कर गया।